हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे वर्ल्ड फेमस बिजनेस के बारे में जो आने वाले समय में हाई ग्रोथ का परफॉर्मेंस ये बिजनेस कर दिखाएगा, क्योंकि इसके पास देखिए दोस्तों लिथियम आइकन बैटरी, रबर का बिजनेस है, साथ ही यहाँ पर प्लास्टिक का बिजनेस है और लीड से रिलेटेड बिजनेस है। अब ये जो लीड जो प्रोडक्ट है, ये ऐसा पाउडर है जो यहाँ पर पेन पिगमेंट जो सेगमेंट है उन सभी में काफ़ी यूजेबल है। एंड कंपनी यहाँ पर पेपर सेगमेंट के लिए एंड दोस्तों ई जो यहाँ पर वेस्ट होता है, स्क्रैप होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो भी कचरा वगैरह हम कहते हैं, उसके लिए भी कंपनी रिसाइकलिंग के लगातार यहाँ पर एक्सपेंशन के ऊपर काम कर रही है। यूएसए, यूरोप, अफ्रीका, सभी अलग अलग कंट्रीज़ में कंपनी बिजनेस अपना यहाँ पर लगातार एक्सपांड कर रही है और इंडिया के अंदर भी अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको भी कंपनी बढ़ा रही है। तो ऐसे कंपनी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे जिसके यहाँ पर एसिड इंडस्ट्री आपको क्लाइंट देखने को मिलेगी। पॉलीकैब इंडिया कंपनी यहाँ पर क्लाइंट है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अमरराज बैटरीज, पैनासोनिक, ऐसे सभी कंपनीज केबल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, पेंट से रिलेटेड कंपनी सभी आपको यहाँ पर क्लाइंट ग्रेविटी इंडिया के देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना जिससे आप सभी को तगड़े रिटर्न यहाँ पर इस कंपनी में मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब भी करना। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके पास के जो बिज़नेस के क्लाइंट है एंड उसका जो बिज़नेस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी आपको यहाँ पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं द कंपनी हैज़ अ ग्लोबल क्लाइंट्स ऑफ 300+ कस्टमर्स इन एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप एंड अमेरिका। एंड यहाँ पर आप ये भी पढ़ सकते हैं 35+ कंट्रीज़ में इसका बिजनेस है। एंड इट्स इंडियाज ऑपरेशन जो यहाँ पर आप देखेंगे 200 डोमेस्टिक कस्टमर इन 22 स्टेट एंड 75 कस्टमर्स इन द 31 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि इसका बिजनेस देखिए ऐसा कोई एक लिमिटेड प्लेस पर अवेलेबल है ऐसा नहीं है। कंपनी के पास जो स्ट्रेंथ है उसका आपको अंदाज़ा आना चाहिए। एंड दोस्तों इंडिया के अंदर के जो क्लाइंट के आप नाम देखेंगे तो देखिए एसिड इंडस्ट्री जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है वो इनके क्लाइंट है। यहाँ पर टाटा बैटरी जो टाटा केमिकल के अंडर काम करते हैं वो भी, KEC, अमर राज बैटरीज, KEI जो केबल का बिजनेस करते हैं एंड यहाँ पर पैनासोनिक वगैरह। तो ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक एंड दोस्तों जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इनके आपको क्लाइंट देखने को मिलेंगे। एंड मैं आपको अभी बिजनेस के बारे में भी यहाँ पर बता देता हूँ कंपनी का बिजनेस कैसा है। की हाई पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी के पास यहाँ पर रिसाइकलिंग का बिजनेस है जो आपको एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, रबर ट्रंकी सॉल्यूशन, सम ऑफ द इट्स प्रोडक्ट आर प्योर लीड, स्पेसिफिक लीड्स, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स इनके पास है, पाउडर वगैरह जो यहाँ पर लीड्स का होता है। तो बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है और कंपनी का आप यहाँ पर वेटेज देखेंगे, ये जो आपको लगता होगा कि ये लीड्स काय में यूज़ होते हैं तो पेंट इंडस्ट्री के अंदर और बहुत से अलग अलग इंडस्ट्री में भी ये यूज़ होता है। एल्यूमिनियम से भी कंपनी का रेवेन्यू का सोर्स है देखिए 6-6.5% का, प्लास्टिक से आता है कंपनी का 3% एंड जो यहाँ पर अदर प्रोडक्ट है उससे जैसे देखेंगे तो 1.35। तो ऐसा बिजनेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ये भी देख सकते हैं ग्रेविटी इंडिया लिमिटेड जिसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 51 जो यहाँ पर आप जो परसेंटेज में देखेंगे ऑफ इट्स टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी टू द कंट्रीज आउटसाइड, यानी कि जो इसका यहाँ पर आप टर्नओवर देखेंगे एक्सपोर्ट से सबसे ज़्यादा आता है 51% का। और कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखेंगे तो आपको 12 रिसाइकलिंग प्लांट देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड आप ये भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं जो इसके यूज़र हैं वो यहाँ पर कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आते हैं, केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आते हैं, पेंट पिगमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया ना वो लीड्स जो हम देख रहे थे कि 87% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है ना,
वो इनके क्लाइंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाई कास्टिंग इंडस्ट्रीज एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, ये सभी इनके क्लाइंट आपको देखने को मिलेंगे। यानी जो कस्टमर है मैंने उनके बारे में बताया, और जिनके लिए इसके कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल बहुत अच्छे से यूज में आते हैं वो भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है। एंड दोस्तों कंपनी के जियोग्राफिक एरिया के बारे में जैसे हमने बात की कि आउटसाइड इंडिया से 51% एंड इंडिया से 49% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है ग्रेविटी इंडिया। और यहाँ पर इसके पास की कैपेसिटी वगैरह देख सकते हैं। और कंपनी को जो ऑर्डर मिले हैं 2022 मार्च महीने में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6000 मैट्रिक टन से रिलेटेड, तो बहुत अच्छा बिजनेस है। और कंपनी जो फ्यूचर प्लान कर रही है वो देखिए, ई वेस्ट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसके अंदर लिथियम, रबर, कॉपर, पेपर, इन सभी में कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही है। और लगातार कंपनी उसी वे में डिसीजन लेते हुए नज़र आ रही है। एंड दोस्तों ग्रेविटी इंडिया की आप यहाँ पर डिटेल्स देखेंगे तो ग्रेविटी इंडिया ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1992 में। ग्रेविटी इंडिया इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर इन इंडिया। ये जो लीड है ना दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा गूगल पर सर्च करना तो आपको पता चलेगा ये पेंट एंड पिगमेंट सेगमेंट में कितना वैल्यूबल प्रोडक्ट है, जो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट इस कंपनी को प्रोवाइड करता है। एंड जैसे यहाँ पर हम बात करें तो कंपनी का मार्केट क्या, काफ़ी सुपीरियर बिजनेस मॉडल है ये। और आप देख सकते हैं 4,262 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कंपनी स्मॉल कैप की है और फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। एंड आप यहाँ पर इसका पी रेशियो देखेंगे तो सिर्फ 21 का। एंड सबसे वैल्यूबल जो पॉइंट नज़र आता है वो है कंपनी के पास का डिविडेंड का रेशियो। कंपनी डिविडेंड भी देती है, देखिए जो परसेंटेज, सॉरी रेशियो नहीं परसेंटेज यहाँ पर हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर 0.49 का। यानी कंपनी आपको देती तो सही है ना, बाकी बहुत से कंपनीज है वो देते कुछ भी नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे 31 का है, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 41 का, पी रेशियो सिर्फ 21 का। यानी कि ये कंपैरिजन अगर करेंगे तो आपको यहाँ पर बाकी की चीज़ें काफ़ी स्ट्रांग नज़र आएगी। एंड शेयर होल्डिंग की भी बात करें तो कंपनी के अंदर आपको प्रमोटर का कॉन्फिडेंस अच्छा खासा दिखाई देगा, क्योंकि उनके पास आज भी दोस्तों 70% से ज़्यादा स्टेक है। और समझ जाना कि किसी कंपनी में 70% से ज़्यादा प्रमोटर अवेलेबल है तो कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि प्रमोटर जितना कम स्टेक रखते हैं उतना कंपनी के फ्यूचर के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा शक कर सकते हैं, क्योंकि जितना वो स्टेक रखते हैं उतना उनको फ़ायदा कंपनी के इम्प्रूवमेंट में होता है। अगर उनके पास कंपनी का स्टेक ही नहीं है तो उनको क्या लेना देना है मुझे बताइए, कंपनी ग्रोथ करे या ना करे उनको सिर्फ सैलरी मिलेगी। मैनेजमेंट देखना पड़ेगा क्या कर रहा है और कौन मैनेजमेंट है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा जो FIS है उन्होंने काफ़ी बड़ा माल उठाया इस कंपनी के अंदर। आपको यहाँ पर गोल्डमैन सैच जो फंड है उनके तरफ से यहाँ पर स्टेक देखने को मिलेगा 1.58% का। एंड दोस्तों ये बड़ी बहुत बड़ी बात है, जो यहाँ पर दुबई की एक फंड जो मैनेज करने वाली कंपनी है उनके तरफ से भी अक्टूबर 2022 में माल उठाया गया है। और आज FIS के पास देखेंगे 3.08% का स्टेक है। अभी जो भी लोग यहाँ पर ग्रेविटी इंडिया इस कंपनी के पूरे डिटेल्स को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलेंगे, और फ्यूचर जिस कंपनी का ब्राइट हो उसी में निवेश करना फ़ायदेमंद रहता है। एंड यहाँ पर आप जैसे देखेंगे DIS के पास भी थोड़ा बहुत स्टेक है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और पब्लिक ने स्टेक कम किया और बड़े निवेशक ने माल उठा लिया, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ग्रेविटी इंडिया के अंदर। अब बात करेंगे स्टॉक के बारे में और न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेविटी इंडिया शेयर गेन ऑन कैपिटल एक्सपेंशन ऑफ चित्तौड़, जो यहाँ पर प्लांट है वहाँ पर कंपनी अपना कैपिटल एक्सपेंशन कर रही है, यानी कि जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर हो सके उतना एक्सपेंशन के लिए कंपनी अच्छा खासा पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। और इंडिया के सबसे दिग्गज इन्वेस्टर आशीष कचुलिया जी, बहुत ही सुपर सिलेक्शन होता है इनका स्मॉल कैप स्टॉक का,
और इन्होंने इस कंपनी के अंदर वेल जनरेट कर दी और आने वाले समय के लिए भी वो अच्छा खासा माल उठाकर बैठ गए इस कंपनी के अंदर, और भी उन्होंने क्वांटिटी बढ़ा ली है। एंड दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ग्रेविटी इंडिया ने बहुत से यहाँ पर डील किए हैं और ये कंपनी आगे बढ़ने के लिए लगातार एक्टिविटीज़ कर अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। अभी बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे कि सर आपने ये न्यूज़ तो बताई नहीं कि प्रमोटर ने यहाँ पर स्टेक बेचा। तो दोस्तों ये जो स्टेक बेचा है इसके अंदर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत करोड़ों का सेल बेचकर चले गए या उन्होंने स्टेक बहुत कम कर दिया। आज भी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छा खासा स्टेक उनके पास अवेलेबल है, 70% के ऊपर रहने वाला स्टेक कोई भी यहाँ पर ख़राब नहीं है। एंड आप ये भी देख सकते हैं, जैसे मैंने अक्टूबर 2022 की जो न्यूज़ आपको बताई, यहाँ पर देखिए अबू धाबी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट फंड है अथॉरिटी, उनके तरफ से ग्रेविटी इंडिया के शेयर यहाँ पर बाय किए गए हैं एंड आप यहाँ पर जैसे स्टॉक के बारे में देखें तो ये भी स्टॉक काफ़ी सुपेरियर परफॉर्मेंस कर रहा है रिटर्न के मामले में, और मैं आपको इसके रिटर्न भी दिखाना चाहूँगा। आप जैसे कि एक साल के भी रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी सुपर है, उससे पहले 6 महीने के आप रिटर्न भी देख सकते हैं। 6 महीने में स्टॉक 42% का रिटर्न कमा कर दे रहा है और एक साल में आप देखेंगे तो 124% के रिटर्न। तो ऐसी एबिलिटी सिर्फ ऐसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल रखने वाले कंपनीज़ के अंदर ही होती है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो ये बिज़नेस के बारे में और कंपनी के अंदर के न्यूज़ से रिलेटेड यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अभी एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था, वो बताना ज़रूरी है, वो है देखिए कंपनी के पास जो यहाँ पर बोरिंग है। अभी ये जो बोरिंग है इसके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की है, और आपको बता दो शॉर्ट टर्म की उतने मायने नहीं रखती बोरिंग, बट जो लॉन्ग टर्म की कंपनी के पास उतना कुछ ज़्यादा कर्जा नहीं है। आप जैसे इसके रिजर्व फंड को देखेंगे वो काफ़ी स्ट्रांग तरीके से इम्प्रूव हो रहा है, एंड कंपनी के अगर आप फंडामेंटल चेक करने के लिए ही आए हो मार्केट में तो मुझे लगता है कि आपको इसके नेट प्रॉफिट को देखना चाहिए ईयरली बेसिस पर। 37 करोड़ से फिर 57, फिर 148 और फिर 204 करोड़ रुपीज़, ये कंपनी के नेट प्रॉफिट की ईयरली बेसिस पर ग्रोथ है। और उसी के साथ अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर को भी देखिए, कहाँ था देखिए 4.81, वो अभी 29.13 हो गया है। ये प्रेजेंट करता है कंपनी के ग्रोथ को। तो आई होप दोस्तों आप समझ रहे हैं क्या क्या कंपनी के पास है और आपको कैसे परफॉर्मेंस रखना चाहिए। तो ज़रूर यहाँ पर ग्रेविटी इंडिया इस कंपनी के बारे में सोचने के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, जिसके पास लिथियम आइकन बैटरी से लेकर प्लास्टिक वगैरह सभी बिजनेसेस के एडवांटेज अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।